हेलो एवरीवन, आई एम पूर्णिमा सिंह। वेलकम टू पूर्णिमा सुपर किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के लड्डू। गोंद वाले लड्डू बनाऊंगी जो बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही टेस्टी, सर्दियों में बहुत फायदेमंद होते हैं और जिनको थकान, कमजोरी और सिरदर्द जैसी शिकायतें रहती हैं उन सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास वाली बेल बटन को भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल के लड्डू बनाने के लिए मैंने ये मूंग दाल ली है। इसे मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो पूरी रात भिगो के रख सकते हैं, लेकिन सर्दियों में। और ये 200 ग्राम मूंग की दाल है। इसे मैंने भिगो के धो के अच्छे से और इसे पीस लिया है। आप चाहें तो, अगर आप ऐसे नहीं पीस पाते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के भी पीस सकते हैं। और 200 ग्राम चीनी चाहिए होगी और 200 ग्राम घी चाहिए होगा। ये तीनों की क्वांटिटी मुझे सेम लेनी है हमें। और ये काजू और बादाम चाहिए होंगे, ये कट कर लिए हैं मैंने। 7-8 काजू और 7-8 बादाम लिए हैं। और इलायची पाउडर चाहिए होगा। और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पिस्ता और बादाम लिया हुआ है मैंने। और 100 ग्राम गोंद चाहिए होगा, क्योंकि हम गोंद के लड्डू बना रहे हैं। और खोया भी डालूंगी इसमें मैं, 100 ग्राम खोया है। सबसे पहले हम गोंद भूनेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है। अब इसमें 50 ग्राम घी डालेंगे। ये घी हमारा गरम हो चुका है, हमें तेज गरम घी चाहिए होगा। अब इसमें ये गोंद डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना होगा। और ये टुकड़े वाला गोंद है, छोटे छोटे टुकड़े वाला, यही लीजिएगा आप। ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब और डाल लेंगे, थोड़े थोड़े के करके ही भूनना है हमें। भूल जाएंगे ये गोंद हमने भून के तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें थोड़ा सा दरदरा करना होगा, थोड़ा सा दबा के ऐसे हल्का सा कूटना होगा। अब हम मूंग दाल का को भूनेंगे। इसके लिए एक पैन में घी डाल लेंगे। ध्यान रहे कि पैन हमेशा नॉनस्टिक ही होना चाहिए, नहीं तो मूंग दाल बहुत ही चिपकती है और बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत सारा घी लग सकता है, इसलिए नॉनस्टिक पैन का ही यूज करें। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, अब इसमें मूंग दाल का पेस्ट डाल लेंगे। अब ये मूंग दाल को हमें भूनना होगा और इसको काफ़ी टाइम लग जाता है, 20-25 मिनट लग जाएंगे इसे भूनने में। इसीलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें धीरे धीरे लगातार चलाते हुए पकाना होगा। ये दाल हमारी ब्राउन होने लगी है। इसका ब्राउन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कच्ची अगर रह जाती है तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है, और अगर अच्छे से भून जाता है तो जल्दी ख़राब नहीं होता। आप काफ़ी दिन तक इसे खा सकते हैं। अब इसे बीच में मैंने फ्लेम तेज करके भी पकाया है, क्योंकि इसको पकाने में बहुत ही, भूनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए बीच बीच में फ्लेम तेज करके इसमें घी डाल डाल के पकाना पड़ता है। अगर नॉनस्टिक में पकाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसको फ्लेम मैंने स्लो कर दी है मूंग दाल वाली। तब तक हम मावा भून लेंगे। इसके लिए 1 चम्मच घी डाला है मैंने कढ़ाई में। अब इसमें मावा डाल दूंगी। ये 100 ग्राम मावा और 100 ग्राम गोंद लिया है मैंने। अगर आपको कोई क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे दे दूंगी कि कितना कितनी मात्रा होनी चाहिए। इसे भून लेंगे अच्छे से। ये मावा हम निकालेंगे। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है, बस हल्का सा ही भूनना होता है। अब इसी में हम चाशनी बनाएंगे, क्योंकि हम मावे वाला बना रहे हैं लड्डू, इसलिए चाशनी बना के तब बनाएंगे। ये दाल हमारी हो चुकी है, अब इसे ठंडा होने देंगे। कुछ लोग बूरा चीनी डाल के भी बनाते हैं लड्डू, लेकिन मैं चाशनी वाले बना रही हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं।
अब पैन में हम चीनी डालेंगे, 1 कप पानी डाल देंगे, क्योंकि चाशनी हमें पतली ही चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। ये चाशनी हम 3-4 मिनट मैंने पका ली है, ज़्यादा नहीं पकाना। उसके बाद हम मावा डाल देंगे। मिक्स करेंगे। चाशनी में मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। मेवे डाल देंगे, जो काजू और बादाम हमने काट के रखे हैं। ये गोंद हमने कूट लिया है, लेकिन बहुत बारीक नहीं किया है, क्योंकि इनका क्रंच मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है खाते समय, इसलिए बहुत बारीक नहीं करना है, हल्के से इनको कूट लेने हैं। अब ये भी डाल देंगे। अब भुनी हुई दाल डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये दाल देखिए कितनी बूरा जैसी हो गई है, ऐसी ही दाल होनी चाहिए। मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बादाम को पीस कर भी पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, या काट के भी डाल सकते हैं, मैंने काट के डाला है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब गैस ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद अब हम लड्डू बनाएंगे। ये मैंने एक थाली में निकाल लिया था, ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब इससे लड्डू बना लेंगे। रखते जाएंगे। बना सकते हैं इसका बिना मावे से हलवा बना सकते हैं। जब आप भूनते हैं दाल को, उसी समय आप चीनी डाल दीजिए और अच्छे से भून लीजिए। हलवा दूध के साथ सुबह खाइए, बहुत फ़ायदा करता है। और ये लड्डू आप सुबह दूध के साथ लीजिए, बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही टेस्टी भी। लीजिए, तैयार है हमारे मूंग दाल के गोंद वाले लड्डू। खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।